जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अद्यतन शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल दिनांक 13/1/2021 को नया आदेश वो जारी किया गया है। क्रमांक नंबर 132 प्रति में समस्त संभागीय संयुक्त संचालन लोक शिक्षण समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी विषय में बताया गया की हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा विमर्श पोर्टल पर रिक्तियों की जानकारी अद्यतन करने के उपरांत रिक्तियों के विरोध शिक्षक आमंत्रित करना। जी हाँ दोस्तों, इस आदेश में बताया गया कि संदर्भ पत्र के द्वारा विद्यालयों में विभिन्न कारणों तथा सेवा निर्वृत्ति प्रति शिक्षण अवकाश इत्यादि के कारण विषय में हुई रिक्ति की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अद्यतन करने की व्यवस्था के अनुक्रम में विद्यालय द्वारा दिनांक 1/1/2021 से 10/1/2021 की अवधि में दर्ज रिक्त पदों की जानकारी के अनुसार रिक्तों की सूची विमर्श पोर्टल के अतिथि शिक्षक मॉड्यूल पर प्रदर्शित की जा रही है। संचालन के निर्देश दिनांक 28/11/2020 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध सूची में प्रदर्शित रिक्त के विरोध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करें। जी हां दोस्तों, विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित सूची में उल्लेखित रिक्तियों को GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु सूची NIC को प्रेषित की जा रही है। NIC द्वारा रिक्तियों को GFMS पोर्टल पर अपडेट करने के उपरांत GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रारंभ हो सकेगी। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। जय श्री कैबिनेट आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश दिनांक 13/1/2021 को नया आदेश है वो जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस आदेश में बताया गया कि हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा विमर्श पोर्टल पर रिक्तियों की जानकारी अद्यतन करने के उपरांत रिक्तियों के विरोध अतिथि शिक्षक आमंत्रित करना है। वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।